सोनी टीवी पर रिसेंटली लॉन्च हुआ माइथोलॉजिकल शो श्रीमद रामायण पर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर रही है। अगर आपने कोई भी एपिसोड मिस कर दिया है आपके फेवरेट शो के, तो आप पूरे एपिसोड देख सकेंगे। तो कब हमें देखने को मिलेगा श्रीमद रामायण का सभी एपिसोड, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस शो में भगवान राम जी के रोल में हमें देखने को मिल रही है सूरज रेव, वो हमें इस शो में भगवान विष्णु के रोल में भी नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही इस शो में हमें प्राची बंसल माता सीता और माता लक्ष्मी के रोल में नजर आ रही है। उनके साथ ही अरब चौधरी इस शो में हमें दशरथ के रोल में, शिल्पा सकलानी केकेई के रोल में, तरुण खन्ना लॉर्ड शिवा के रोल में, ऐश्वर्या राज भाकुनी इस शो में हमें माता पार्वती के रोल में, निकितिन धेर इस शो में हमें रावण के रोल में देखने को मिल रही है। फैंस को कहानी इतना ज्यादा पसंद आ रही है, ये शो हमें ओटीटी पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ हमें सोनी टीवी पर रात के 9 बजे से 10 बजे तक देखने को मिल रही है। अभी शो पर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। अगर आपने श्रीमद रामायण का कोई भी एपिसोड मिस कर दिया था तो फिर से आप सभी एपिसोड को देख पाएंगे। 22 जनवरी को सुबह के 9 बजे से शाम के 7:30 बजे तक हमें देखने को मिलेगा श्रीमद रामायण का सभी एपिसोड। 22 जनवरी को राम मंदिर स्थापन होने वाली है, उसी वजह से श्रीमद रामायण का सभी एपिसोड सुबह से शाम तक हमें देखने को मिलेगा। सोनी टीवी टू रिपीट टेलीकास्ट ऑल एपिसोड ऑफ द रिसेंटली लॉन्च शो श्रीमद रामायण ऑन ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर। काफी जरा खुशखबरी निकल कर आई है श्रीमद रामायण के फैंस के लिए, क्योंकि श्रीमद रामायण हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब तक देखने को नहीं मिला है। ये शो हमें सिर्फ टीवी पर ही देखने को मिलता है, सोनी टीवी पर सोमवार से शुक्रवार रात के 9 बजे से 10 बजे तक। इस शो का ओपनिंग टीआरपी निकल कर आया था 0.9 और इस शो का ओपनिंग डे टीआरपी 1.1 निकल कर आया था। लास्ट वीक इस शो के टीआरपी में हमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला और 0.8 टीआरपी रेटिंग्स निकल कर आया था। ये जो हमें देखने को मिलता है सोनी टीवी पर, सोनी टीवी पर डेली शोज की टीआरपी सिर्फ 0.2 या 0.3 ही निकल कर आती है, तो इस शो का जो टीआरपी है वो काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग निकल कर आई है। तो आते ही ये शो हिट शो माना गया है, क्योंकि इस शो की टीआरपी बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल कर आ रही है। तो क्या आप देखते हैं श्रीमद रामायण आपके फेवरेट चैनल सोनी टीवी पर, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।